क्या आप भी विदेश में रहते हैं और आप चाहते हैं कि हम दुनिया के कोई भी कोना में हम घर अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से पैसा भेजें, तो अब आपकी जो है इंतज़ार ख़त्म हो गया है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आप इंडिया से या इंडिया से बाहर है तो आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बहुत ही आसान तरीके से आप कैसे पैसे भेज सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से अपने लैपटॉप से बिना कहीं भागदौड़ किए। स्वराज मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। क्योंकि मैं अपने चैनल पर डे नया नया वीडियो अपलोड करते रहता हूँ और मेरे वीडियो से आपको ज़रूर नॉलेज प्राप्त होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से बस आपको एक अकाउंट बनाना है। आप अपने ईमेल आईडी या आपको जैसे आप अपना अकाउंट क्लियर कर लेते हैं तो वहां पे आपको एक नंबर दे दिया जाता है, उस नंबर से आप दुनिया के कोई भी कोने में पैसा भेज सकते हैं। अगर आप इंडिया में तो आप इंडिया में भी पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, गांव में, शहर में, या आप विदेश में पैसा भेजना चाहते हैं या विदेश से पैसा मंगाना चाहते हैं तो भी आप बहुत ही इजी तरीके से आप जो है स्किल से आप बहुत ही आसानी से पैसा मंगा सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताया था किस तरीके से आप पेपल अकाउंट बना के आप दुनिया के किसी भी कोने में कैसे पैसा भेज सकते हैं और पैसा मंगा सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप स्किल पे अपना अकाउंट बना के आप किस तरीके से दुनिया के कोई भी कोना में, शहर में, गाँव में, कस्बा में आप बहुत ही ईजी तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से पैसा भेज सकते हैं और पैसा मंगा सकते हैं। तो वो कैसे पैसा भेजना है, कैसे मंगाना है, ये सब देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से आप स्किल पे बहुत ही इजी और आसान तरीके से आप एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। जैसे अकाउंट आपका क्रिएट हो जाता है तो आप ईमेल आईडी या आपको वहाँ पे एक नंबर मैं बताऊंगा, वो नंबर दे के आप बहुत ही इजी तरीके से आप दुनिया के कोई भी कोने में पैसा भेज सकते हैं और पैसा मंगा सकते हैं। तो वो कैसे करना है, क्या करना है, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा तभी आप समझेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दिया हूँ, जिस लिंक पर जाने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पर ओपन हो सकते हो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप स्किल से दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी शहर में किसी भी गांव में पैसे भेज सकते हैं और वहां से भी मंगा सकते हैं। तो आपको यहां से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, यहां पर लैंग्वेज जाके जो भी लैंग्वेज में आप चाहें वहां से चेंज कर सकते हैं। यहां पर आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा अकाउंट बनाने के लिए। तो यहां फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहां अपना कंट्री डाल दीजिएगा, यहां पर अपना करेंसी, ध्यान रहे करेंसी आप जो चूज कीजिएगा वही होगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो ध्यान रहे कि करेंसी आपको सोच समझ के डालना है। इसके बाद अपने ई मेल आईडी यहाँ डालना है, इसके बाद यहाँ पर आप डाल दिया पासवर्ड, इसके बाद यहाँ पर सिंपली कर देना है रजिस्टर पर ओके। जैसे कीजिएगा तो आपको कुछ यहाँ बसेस का बता रहा है, यहाँ ऑप्शन दिया, चलिए मैं बस को चूज कर लेता जो भी है, इसके बाद वेरीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ इस तरह से ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पासवर्ड डालिएगा तो एक कैपिटल, स्मॉल लेटर, स्पेशल करेक्टर, इसके बाद ये आपको होना चाहिए कोई नंबर, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर पासवर्ड डाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, स्पेशल करेक्टर और एक नंबर होना चाहिए, तब उसी हिसाब से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए सिंपली मेरा यहाँ पर इसके लिए अकाउंट ओपन होकर आ गया और मेरे जो ईमेल आईडी है उस पर भी मैसेज किया गया होगा वेरीफिकेशन के लिए। चलिए मैं अपने मेल आईडी पर ओपन हो जाता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे मेल आईडी है, चलिए मैं यहाँ पर इसको मेल आईडी पर ओपन हो जाता हूँ। यहाँ देख रहे हैं कि मेरे स्किल की तरफ से यहाँ पर मैसेज आ चुका है, मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा स्किल की तरफ से मैसेज आया हुआ है। तो सिंपली आप इसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जाके डायरेक्ट गेट टू स्टार पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप जो भी आपका जो होम स्क्रीन है वहाँ पर चल जाएगा डायरेक्ट यहाँ से। तो चलिए मैं इसको होम स्क्रीन पर आ जाता हूँ। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारा आपको टर्म एंड कंडीशन में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा, शायद ही कोई इतना डिटेल में बताया होगा, हमें नहीं लगता कि इतना डिटेल में आपको कोई बताया भी होगा। तो चलिए यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर पहले मैं आपको यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको ऑनलाइन
पेमेंट के लिए बता रहा हूँ कि सिंपली आपको अगर किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना है तो सिंपली यहाँ पर बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ऑनलाइन देख लें पे ऑनलाइन के लिए यहाँ पर बोल रहा है एक्सपोजर स्किल, चलिए मैं यहाँ के टेस्टर पर ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ओपन ओपन होगा आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी एड्रेस हो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपको डेट ऑफ बर्थ हो यहाँ पर डालना है डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद सिंपली आपको मोबाइल नंबर को भी हो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर सिंपली कर देना है नेक्स्ट। तो चलिए मैं फटाफट से अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के और मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको जो यहाँ पर बोल रहा है 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड आपके जो ये मोबाइल नंबर जो दिए हैं उस पर भेज दिया गया है। तो चलिए जो भी मोबाइल नंबर है उस पर से डाल दीजिए। यहाँ पर आपको 15 मिनट का टाइम दे रहा है तो 15 मिनट के अंडर में आपको यहाँ पर डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आप करना है वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद यहाँ आपको बोलेगा 6 डिजिट का पिन कोड बनाने के लिए। यहाँ पर मैं अपने हिसाब से 6 डिजिट का पिन बना लीजिए जो भी आपको बनाना है। तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से पिन बना सकते हैं, ठीक है। इसका सिंपली यहाँ पर कर देना वेरीफाई सेव। सेव पर करते ही ये जो आपको पिन बना है वो वेरीफाई हो जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है जो भी पिन दिए हैं वो हमेशा आपका रहेगा। तो इसी बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हम कौन सा पिन डाले हैं, नहीं तो ये आपका नहीं हो पाएगा। यहाँ देख रहे हैं कुछ ऑप्शन आ गया डिपॉजिट के लिए। तो यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ चुका है जो आपको इंटरेस्टेड जो है इंस्टेंट तो आपको 2.5% का फीस लगेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि वाओ इंस्टेलर है UPI है और यहाँ पर बोल रहे हैं ऑटो पे नेट बैंकिंग के द्वारा जो भी आप पेमेंट करना चाहते हो वहाँ से कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ डेबिट कार्ड और इसको क्रेडिट कार्ड को चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर डेबिट कार्ड क्रेडिट और एक्सपायरी डेट CCV और यहाँ पर आप देख रहे हैं एड टू कार्ड पर क्लिक कीजिए तो यह आपका डिपॉजिट हो जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ पर सिंपली बैक आ जाना है। यहाँ वेरिफिकेशन कंटिन्यू ओके कर दीजिए। यह आपका वेरीफाई सक्सेसफुली ओपन हो गया है। सिंपली सेंड मनी के लिए भी कुछ वही सही टर्म एंड कंडीशन है। यहाँ आपका जो भी स्टार्ट पे कीजिएगा अगर सेंड करने के लिए पैसे दिए हैं एड्रेस वगैरह डालिएगा जिसको भेजना है, पोस्टल कोड डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे आप डाल के सिंपली यहाँ कर देना है नेक्स्ट। बहुत ही आसानी से इसको पैसे ट्रांसफ़र आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी बता दूँ। यहाँ पर होम स्क्रीन पर जाइएगा, यहाँ पर देख रहे हैं अगर पैसे किसी को भेजना है और किसी से मंगाना है तो सिंपली आपको ये वाला जो मेल आईडी वो देना है और यूज़र आईडी आपको ये देना होगा तो आप किसी को भेज सकते हैं और किसी से पैसे मंगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग पर जाने के बाद बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन है, वो टर्म एंड कंडीशन को हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ से जान लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं पर्सनल डिटेल पर जाकर अब यहाँ पर जो भी आपका डिटेल वगैरह है तो वो आपका आईडी वगैरह आ चुका है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि एड्रेस, अब यहाँ पर आप एड्रेस आपको डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ फोन नंबर वेरीफाइड हो चुका है। इसके बाद ईमेल आईडी आपको प्राइमरी है, ठीक है, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं ऐड ईमेल और भी इसमें ईमेल आप इसको जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ सिंपली अकाउंट सेटिंग है और यहाँ पर जो मार्केटिंग रेफरेंस सिक्योरिटी वेरीफाई है। तो यहाँ पर चलिए पहले हम यहाँ पर कुछ एड्रेस वगैरह यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। जो भी एड्रेस वगैरह यहाँ पर ऐड कर लीजिए। यहाँ पर आप जो भी एड्रेस रखना चाहते हो तो वो एड्रेस यहाँ सिटी यहाँ कंट्री यहाँ और यहाँ पोस्टल कोड यहाँ इंडिया तो है ही, इसका सिंपली कर देना है सेव। तो जो भी एड्रेस आपका है वो वहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर कोड जो भी एड्रेस था वो डाल के यहाँ पर सेव कर दिया, हो गया मोबाइल में वेरीफाई है। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है एक और बहुत ही जानकारी के बाद बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जो ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करना पड़ा, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पर प्राइमरी बता रहा है। तो यहाँ पर आप इसको ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लीजिए। आपको ईमेल आईडी पे एक मैसेज आएगा, उसको यहाँ से आपको कोड जाएगा, उसको वेरीफाई कर लीजिए। चलिए हम इसको वेरीफाई ओके कर देते हैं। मेरे केस में वहाँ पर जो कोड गया होगा मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। चलिए मैं अपने जो ईमेल आईडी उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने का देखिए हमारा देखिए यहाँ पर मेरा स्किल की तरफ से मैसेज आया है, मैं इसको ओके कर लेता हूँ। यहाँ देखिए कोड दे दिया है तो यहाँ ये कोड आपको वहाँ पर डाल देना। चलिए मैं वहाँ पर ये कोड मैं वहाँ पर डाल देता हूँ जो भी कोड ये है यहाँ पर है। तो मैं फटाफट से यहाँ पर डाल देता हूँ जो भी कोड है। कोड डालने के बाद यहाँ से सिंपली वो कर देना है वेरीफाई। यहाँ 15 मिनट का टाइम देता है, 15 मिनट का टाइम का आपके अंदर में यहाँ पर कर देना है वेरीफाई। सिंपली यहाँ देखते हैं वेरीफिकेशन सक्सेसफुली, यहाँ कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ आपको भी एक कोड यहाँ पे आप जो है रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये वेरीफाई हो चुका है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही आसानी से ये आपका इस तरह से ये वेरीफाई हो चुका है। चलिए मैं कुछ और टर्म एंड कंडीशन मुझे उसी में बता देता हूँ जो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ देख रहे हैं रेफरेंस जो प्रोग्राम है इसमें आपका बहुत ही शानदार का प्रोग्राम है इसमें। तो इसमें से आपका जो इसका लिंक है आपको लिंक कहाँ से इसको भेजेंगे तो लिंक आपको इसी में मिलेगा। देखिए मैं इसको करता हूँ, ये आपका लिंक है, इसको ये कॉपी करके आप किसी को भी भेज सकते हैं और कोई भी आपको जो ओके करेगा डायरेक्ट इस आपका लिंक जो भेजेगा यहाँ पर कॉपी करके तो डायरेक्ट ये वो यहाँ पर आपका इसी पोर्टल पर ओपन हो सकता है। और ये जो आपका जो भेजिएगा लिंक तो इसी पर जो आपका जो ये जो आपका अकाउंट है ये अकाउंट पर ये ओपन भी हो सकता है, उसको देख भी सकता है। और इस पर जो आईडी है वो आईडी को आपको जो पैसे वगैरह भेजना है तो इसको यूज कर सकता है।
यहाँ देख रहे हैं कि कुछ ऊपर आने के बाद यहाँ रिफोरिंग प्रोग्राम है, यहाँ सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका पासवर्ड अगर चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, रीसेट पेज भी यहाँ सेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक से मतलब यहाँ मैनेज कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं ट्रस्ट डिवाइस का ऑप्शन दे रखा है, और यहाँ देखते हैं स्टेटस मर्चेंट के यहाँ से मैनेजिंग भी इसको कर सकते हैं। यहाँ से जाने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं इस अकाउंट में सेटिंग में गया हूँ, यहाँ पर आने वाली लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं आप। इसको देख रहे हैं अकाउंट आपका एक्टिव है, अगर आप क्लोज अकाउंट करना चाहते हैं तो अपने अकाउंट यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है गाइज, इसके बाद यहाँ पर आप देखिए हैं कि देख लिए जो जो स्किल से आपको पैसे भेजना है इंटरनेशनल, अगर पैसे भेजना तो सिंपली आपको इसको करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगा, तो आप यहाँ बहुत ही आसानी से देख सकते हो। इसे देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो ये 1000 रुपये जो इंडियन में है, जो अमेरिका अगर भेज रहे हैं तो वहाँ पर बन रहा है $13.33। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको अप्रोच 1000 ही आपको हो जाएंगे। अगर किसी को भेजना है तो यहाँ पर उसका बैंक अकाउंट डालेंगे। इसके बाद जो भी आपको यहाँ पे चूज करना है, जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, वो यहाँ से चूज कर सकते हैं, और सिंपली यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू पर करने के बाद अब यहाँ से कुछ टर्म एंड कंडीशन आएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आप अपने आप को भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ ओके करेंगे। ओके करने के बाद अपना पूरा डिटेल यहाँ पर आप डालेंगे, बैंक अकाउंट निक नेम जो वगैरह है, इसको आप सिंपली अपने आप को यहाँ से भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे सेंड टू समन एल्स भेजने के लिए किसी और पे, तो सिंपली उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोस्टल कोड, एड्रेस, स्टेट, सिटी, कंट्री यहाँ से आपको चूज करना है। जहाँ भी भेजना चाहते हो वो यहाँ पर आपको बता देगा, जो जिसको भी भेजना चाहते हैं यहाँ सिंपली इसको चूज कर लेना है। यहाँ स्टेट चूज कर लेना है, निक नेम, यहाँ पर बैंक डिटेल आपको डाल देना है। ठीक है, इसको राउंड अकाउंट नंबर है, अकाउंट आपको यहाँ से आ ही जाएगा कौन सा अकाउंट है, इसको सिंपली कर देना है कंटिन्यू, तो वो उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो सिंपली बहुत ही इसी तरीके से बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से उसको पैसे भेज सकते हैं। किसी को विड्रॉल करने के लिए अभी इसको चाहिए कि यहाँ पर जो भी आपको जो स्किल वॉलेट रहेगा आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पर देखिए सेंड टू अनदर स्किल, अगर किसी और के भेजना चाहते हैं दूसरे स्किल पे, अनदर स्किल पे, तो यहाँ पे आप सिंपली कर में यहाँ बोल रहे कंटिन्यू टू माई स्किल अकाउंट, इसको ओके कर दिएगा। ओके करने के बाद आपको उसी तरह टर्म एंड कंडीशन बताएगा, जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, और उसी प्रोसेस में आपको चलना पड़ेगा जो प्रोसेस में हम पहले आपको बताए थे। पूरा प्रोसेस वहाँ पर डालना है आपको। यहाँ पर आ गया ऑप्शन, यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर जिसको भी भेज रहे हैं तो लिंक पर उनके आ गया, देख रहे हैं यहाँ पे चारों साइड में सिंपली करना है। इस पर हो गया, वही पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा जो फिलअप हम किए थे। इसको क्लिक करने के बाद यही ऑप्शन आपको आएगा, यहाँ पर ओके कीजिएगा। पूरा प्रोसेस आपको वही डालना है जो प्रोसेस में पहले आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो उसी तरीके से आप पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करके पैसे सेंड कर सकते हैं। अभी एक लास्ट काम और बचा है, सब कुछ होने के बाद अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। सिंपली अपने अकाउंट पर जाना है, यहाँ पर सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको देख रहे हैं कि कुछ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ देख रहे हैं कि वेरीफाई अकाउंट, आपको इसको ओके करना। ओके करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ वेरीफाई अकाउंट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ जो देख रहे हैं कि आपको जो अकाउंट एक्टिव हो चुका है, तो आप अभी थोड़े मोड़े पैसे इधर से उधर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको बड़ा अमाउंट इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए आपको इसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बड़ा अमाउंट को इधर से उधर आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। तो सिंपली आप इसको कर देना, यहाँ से वेरीफाई करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से टर्म एंड कंडीशन ओपन होकर आ जाएगा। आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से आपको टर्म एंड कंडीशन ओपन होकर आ गया है। ये बोल रहे हैं कि अभी आपके अपने अकाउंट को वेरीफाई कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसमें डिपॉजिट करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसे थोड़े मोड़े ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, इसके बाद जैसे ही आपका ये थोड़े मोड़े पैसे इधर से उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो आपको एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका एड्रेस इसमें आपको अपलोड करना होगा, और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। मेरा जो दूसरा एक मेन अकाउंट है, मैं उसको वेरीफाई कराया हुआ है, उस अकाउंट से मैं जितने चाहूँ उतने पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो अभी ये न्यू अकाउंट है, तो इसमें कोई अभी वेरीफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसे थोड़े मोड़े ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, तो इसके बाद आप इसको वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। जैसे थोड़ा मोड़ा ट्रांसफर इधर से उधर कर लेंगे, तो आप बहुत आसानी से इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बड़ा कोई अमाउंट आपको इधर से उधर नहीं करना है, तो आप इसको वेरीफाई कराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब थोड़ा मोड़ा जैसे अकाउंट इधर से आप जो अमाउंट इधर से उधर कीजिएगा, तब यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, वो भी आप जो पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका जो बैंक डिटेल है, वो सबका ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर बहुत आसानी से इसको डाल के ओपन हो सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत ही आसानी से तरीके से आप जो स्किल पे अकाउंट बना सकते हैं। स्किल और पेपल बहुत ही बढ़िया कंपनी है, आप इस दोनों से किसी भी अकाउंट बना सकते हैं या दोनों भी अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको पेपल का अकाउंट के लिए जानकारी लेना है, तो मैं वीडियो बना रखा हूँ,
उस पर जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं कि मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, जिसमें जिस तरीके से मैं आपको इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। जैसे देखिए, आपको यहाँ पर अगर अकाउंट को अगर आपको यहाँ क्लोज करना है, बंद करना है, तो आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर अकाउंट को ओके करता हूँ। यहाँ पर ओके करने के बाद आपको सिंपली इस पर ओके जाइए। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन है, यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से ऑप्शन ये आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं अकाउंट को अकाउंट सेटिंग में कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ अकाउंट को ओके कीजिएगा तो यहाँ पर 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब 15 मिनट का टाइम अगर इसको लॉगिन करते हैं तो आपको अकाउंट बच जाएगा, नहीं तो हमेशा के लिए आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपना अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे मैं पर्सनल डिटेल में आपको एक बार और दिखा देता हूँ। मेरा यहाँ पर देखिए जो ID वगैरह आ गया, और यहाँ देखिए मेरा जो मोबाइल नंबर है, और ये जो क्या बोलते हैं मेरा ID, मेरे दोनों वेरीफाइड हो चुका है। आप यहाँ जो एड ईमेल एड्रेस यहाँ पर जाकर और भी यहाँ पर जो भी चाहे जितना भी चाहे, तो यहाँ से आप जो भी ईमेल एड्रेस यहाँ पर चेंज ऐड करना चाहे उसको यहाँ चेंज कर लीजिए, डाल लीजिए और उसको वेरीफाई कर लीजिए, तब वो भी आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और यह भी आप ईमेल आईडी अगर किसी को लेन देन के लिए अगर भेजना चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी भेज सकते हैं, उस पर अभी आपका पैसा आ जाएगा। और या ईमेल आईडी जो आपको ये नंबर दे रखा है उस नंबर को दे दीजिएगा, तो इस पर भी आपका पैसा वो ट्रांसफर भेज सकते हैं और मंगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से आप स्किल पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करके आप किस तरीके से दुनिया के कोई भी कोने में पैसा भेज सकते हैं और वहां से पैसा मंगा सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।